वही कांकेर के आमाबाड़ा क्षेत्र में नक्सली जो है वो सड़क निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए नक्सलियों ने शनिवार को कच्चे रास्ते पर बने पुल को क्षतिग्रस्त किया है। वहीं रविवार को उसी जगह बैनर लगाकर सड़क ना बनाने की चेतावनी दी है। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से धमकी दी है कि अगर निर्माण कार्य को रोका जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो गाड़ियों को आग के हवाले किया जाएगा। और वहीं घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी कांकेर से आमाबेड़ा जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर एक बार नक्सलियों ने फिर मौजूदगी दर्शाया है। जो मेन रोड है, जो पुल है, अभी फिलहाल रोड बन रहा है, उस रोड बन रहा है, आगे रोड बन रहा है, यहीं पे नक्सलियों ने बड़ी जो है धमाका किया है, 20 से 25 किलो की जो आईडी धमाका किया है। आप देख सकते हैं जो मेन रोड है, रोड में कैसा गड्ढा हो गया है, कैसा पुल जर्जर हो गया है। यहाँ पे जो है नक्सलियों ने बड़ा धमाका किया है और कहीं ना कहीं ये सब मेन रोड में आप देख सकते हैं कि ये 20 से 25 किलो के जब आईडी यहाँ पे विस्फोट हुआ होगा तो यहाँ के जो पेड़ है आसपास के जो है वो छत विछत हो गए हैं। और यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह का केबल वायर जो है यहाँ पे नक्सलियों ने उपयोग किया है। आप देख सकते हैं ये केबल वायर है जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे और आशंका जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं और आईडी इस पुल में हो सकता है। ये घने जंगल है और जंगल के आसपास कहीं ना कहीं छुपे होंगे और अभी तक के पुलिस पार्टी को, पुलिस की टीम को अभी तक की कोई जो है सूचना नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस की सूचना तंत्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ से महज आमाबेड़ा जो थाना है वो महज 5 से 7 किलोमीटर की जो दूरी है, अब तक के जो है वहाँ के थाना प्रभारी को इस बात की सूचना नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो सूचना तंत्र पर भी सवाल खड़ा होता है। और ये जो बड़े धमाका है, नक्सलियों ने काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में जो है अपनी मौजूदगी दर्शाया है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो है इस बार जो है तेंदुपत्ता को लेकर और जो रोड बन रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं उन लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल इस वक्त जो है इस घने जंगल के बीच में जो ये रोड में नक्सलियों के द्वारा जो आईडी उड़ाया गया है, लोगों में एक दहशत है। जो आने जाने वाले लोग हैं, जो वो अपने जो रास्ते इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो वापस अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि कोई इस रोड में रिस्क लेना नहीं चाहता। ना बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, ना मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा घटना इस क्षेत्र के लिए किए हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ श्रवण कुमार बेसरा, साधना न्यूज़ कांकेर।